नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। इंदौर में एमएसएमई विभाग की एक बड़ी बैठक हुई। बैठक में सांसद शंकर लालवानी, एमएसएमई विभाग के अधिकारी, इसके अलावा पी नरहरी जो कि एमएसएमई विभाग के सचिव हैं, डॉक्टर इलैया राजा टी, कलेक्टर भी इसमें शामिल हुए हैं। इस दौरान बैठक में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश स्टार्टअप के क्षेत्र को लेकर जानकारी दी गई है और कलेक्टर समेत सांसद ने कहा है कि मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, स्टार्टअप के क्षेत्र में राजधानी अग्रसर है। एमएसएमई विभाग के सचिव पी नरहरी ने बैठक में बताया कि स्टार्टअप जर्नी को लेकर एक विशेष सेमिनार का आयोजन होगा, जिसमें 12 जनवरी को इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी आयोजित की जाएगी। इस सेशन में कई वक्ता अपने विचार रखेंगे। कुछ स्टार्टअप्स को जो है, जो अभी संख्या निर्धारित हो रहा है, 30 से अधिक ऐसे स्टार्टअप्स का हमने सिलेक्शन किया है जिनका एग्जीबिशन एरिया में उनके एग्जीबिशन एग्जिबिट्स भी लगेंगे और उनको हम हमारे एमएसएमई के लाउंज में, स्टार्टअप्स के लाउंज में हम उनको जगह दे रहे हैं। वो अपना जो काम है, जो काम उन्होंने किया है, जिस तरह के स्टार्टअप्स उन्होंने तैयार किया है, उसके प्रदर्शनी भी रहेगा, उसमें लाउंज भी रहेगा, जहाँ पे ये जितने भी पैनलिस्ट आ रहे हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, जितने भी बड़े लोग आ रहे हैं, वो उनके साथ में इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। और ऐसा लाउंज जो है हमने वहाँ पर तैयार किया है। हमने बेसिकली, क्योंकि सीमित स्पेस रहेगा और इस कार्यक्रम में ऐसे स्टूडेंट आए हैं जिनको कुछ सीखना है, कुछ समझना है, जो इस इन कार्यक्रमों के लिए रिलेवेंट है, उन्हीं को हमने थोड़ा बहुत स्कैन करके भेजने के लिए कहा है। हमारे पास काफ़ी स्पेस रहेगा, हम अधिक से अधिक लोगों को इस पर